केंद्र की मोदी सरकार को 3 साल पूरे हो चुके हैं। बीजेपी जहां 3 सालों की उपलब्धियों का जश्न मना रही है, तो वहीं विपक्ष चुनाव के दौरान किए गए वायदों को जनता को याद दिला रहा है। और असलियत क्या है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री महेश शर्मा जी। सर, स्वागत है आपका। सर, मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि पिछले 3 सालों की उपलब्धियों के बारे में बात करें तो वो क्या क्या हो? देखिए, 3 साल की उपलब्धियां अगर मैं गिनाने लगूंगा तो कम से कम 3 घंटे, वैसे ज़्यादा समय चाहिए। लेकिन अगर मैं बहुत छोटे के अंदर बताऊं तो 2014 में जब सरकार देश के अंदर लगभग 10 वर्षों से केंद्र की सरकार में कांग्रेस की सरकार थी जी, एक पॉलिसी पैरालिसिस के रूप में देश की जनता का, युवाओं का विश्वास खत्म सा हो चुका था। राजनेताओं में, राजनीति में, भारत की सरकार में एक अंधकार उन्हें नजर आ रहा था। मोदी जी के आने के बाद एक विश्वास जागा है, सिर्फ देश के लोगों में नहीं, विश्व के लोगों में भी एक विश्वास जागा है कि भारत में एक मजबूत, स्थायी, ईमानदार, पारदर्शी, काम करने वाली सरकार की स्थापना हुई है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व। अगर हम पूछें कि हर बार ये सवाल उठता था कि साहब ये बिजनेसमैनों की सरकार है, ये व्यापारियों की सरकार है, मैं पूछना चाहता हूँ, छोटा सा काम से शुरुआत करी कि अपना सर्टिफिकेट अटेस्ट करा, एक गरीब आदमी लाइन में लग जाता था मंत्रियों के यहाँ, लाइन में लग के 2-3 दिन जाता अपना सर्टिफिकेट अटेस्ट कराने के लिए। मैं पूछना चाहता हूँ, 1 रुपये रोज के अंदर 2 लाख रुपये का बीमा किसके लिए? 300 रुपये, 1 रुपये प्रतिदिन के अंदर 2 लाख रुपये का बीमा किसके लिए? जनधन योजना, जिन देश के लोगों ने, 26 करोड़ देशवासियों ने, जिन्होंने बैंक के दरवाजे कभी नहीं देखे थे, उनके बैंक खाते बोले, 112 करोड़ लोगों को आधार कार्ड से जोड़ा, आज फसल बीमा योजना किसके लिए लाए गए? किसानों के लिए। आज 1500 रुपये के अंदर आज 1 लाख रुपये का बीमा आज भारत सरकार ने किसानों के लिए ये लाए हैं। यूरिया की लड़ाई होती थी, लाठीचार्ज होता था यूरिया पर, नीम लेपित कर किसानों के लिए उपलब्ध करा, इस साल कहीं कोई लेपित ने कोई लड़ाई तो नहीं हुई यूरिया के नाम में, कहीं आपने लाठीचार्ज नहीं सुना? आम घर के अंदर 1.5 करोड़ लोगों ने प्रधानमंत्री के आह्वान पर गैस सुविधा छोड़ दी और 5 करोड़ लोगों में से 1.5 करोड़ लोगों को हम लोग गैस दे चुके हैं। एक उस माँ से पूछिए, उस गरीब औरत से पूछिए जिसकी आंखें खराब हो चुकी हैं चूल्हा फूंकते फूंकते, आज ये किसके लिए थी? क्या किसी अंबानी अडानी के लिए थी क्या ये योजनाएं? मैं समझता हूँ आज देश के आम आदमी के लिए, किसान के लिए, जवान के लिए, गरीब के लिए, माता बहनों के सम्मान के लिए सरकार समर्पित है। चाहे वो कोई भी योजना, किसी एक योजना को अगर हम नाम उठा के ले लें, और मैं समझता हूँ आज जो डिमोनेटाइजेशन, 1 रैक 1 पेंशन का जो योजना कितने सालों बाद आई है, GST का मुद्दा जो सालों से अटका पड़ा हुआ था, आज पूरा देश, एक कर, एक मार्केट, ये सब सुविधाएं, और सबसे ऊपर 3 वर्षों की सरकार में एक भी मंत्री, एक भी सांसद पर किसी तरह का भ्रष्टाचार का दाग नहीं लगा, जबकि उस समय को अगर हम याद करें, काले पन्नों से रचे होते थे भ्रष्टाचार में, अखबार के पन्ने भरे होते थे, आप TV के चैनल के लोगों को भी कहीं ना कहीं सब, और विश्वास नहीं होता था, 1,000,000 करोड़ का घोटाला, 2 लाख हम समझते थे शायद ये आंकड़े हैं, लेकिन अब सच्चाई पता चली कि हम लोगों ने 200 कोयले की खदानों को बेचकर 3 लाख करोड़ रुपया भारत सरकार के खजाने में आया। आज हम लोगों ने हमारे चैनल्स के लिए, आज हम लोगों ने वो किया, 1,10,000 करोड़ रुपया आज भारत सरकार के खजाने के अंदर आ रहा, कोई दाग नहीं, किसी मंत्री पर कोई दाग नहीं। स्पेक्ट्रम के लिए अगर, स्पेक्ट्रम घोटाला, 2G घोटाला, ना जाने घोटालों से लोग आजीज आ चुके थे, विश्वास खत्म हो चुका था। तो ये बहुत सारे काम, ये तो बिल्कुल शुरुआत है, अगर इनकी लंबी फहरिस्त बनाऊंगा तो लंबी फहरिस्त बहुत बड़ी है। लेकिन सर, विपक्ष इनमें आपसे 3 सालों में, विपक्ष आपसे जवाब मांग रहा है कि जवाब दीजिए। विपक्ष किसी एक सवाल का जवाब आप पूछे, हम देने को तैयार। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि आप केवल बातें करते हैं, आपने सारी योजनाएं जो कांग्रेस सरकार की थी उनका नाम बदल बदल के आपने रख लिए, और दूसरा कि आप RSS की विचारधारा को देश पे थोपना चाहते हैं। पहले सवाल का जवाब देता हूँ जी, ये सवाल मुझे पता था कि सवाल आप पूछेंगे, हमारी योजना थी, आपको किसी ने रोका था इन योजनाओं को पूरी करने के लिए? 10 वर्ष आपको इस देश की जनता ने दिए, और 10 वर्ष से पहले राहुल गांधी जी आपके दादा दादी को, आपकी नानी को, आपकी माता को, आपके पिताजी को देश की जनता ने मौका दिया था इस देश के लिए कुछ करने का, क्या किया आपने? 10 वर्ष बहुत होते हैं, एक प्रधानमंत्री के रूप में पहचान नहीं होती, हमारा प्रधानमंत्री विदेश जाता था, लौट के आ जाता था तो लोगों को पता नहीं चलता था प्रधानमंत्री कब गए कब आए। और एक विषय बताएं जो सिर्फ कागजों पर हो, जो धरातल पर ना हो, कोई एक विषय अगर आप विपक्ष बताना चाहता है बताइए। रही बात
आरएसएस का एजेंडा थोपने की? आरएसएस एक राष्ट्रवादी संस्था है। देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी आरएसएस की सामाजिक गतिविधियों को सराहा था। आज उन्हीं की बात अगर हम करें तो आरएसएस पर किसी तरह का प्रश्न चिन्ह उठाना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। आरएसएस ने जितने काम किए हैं, आरएसएस एक सबसे बड़ा उनका संकल्प है राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र समर्पण का भाव आरएसएस देता है और मैं समझता हूँ आरएसएस बहुत बड़ा काम कर रहा है देश के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं। सर, एक विपक्ष की एक सबसे बड़ी बात है जो सीधे आपसे ही जुड़ती है, उनका कहना है कि हमारे देश के जो संस्कृति मंत्री हैं वो कांग्रेस के बनाए हुए मेमोरियल के नाम बदल रहे हैं केवल और केवल कांग्रेस को उन नामों से खत्म करने के लिए। इसमें कितनी सच्चाई आप मानते हैं कि एक तरीके से उनका एजेंडा है या आप भी मानते हैं कि कुछ के नाम आपने बदले हैं? देखिए, जब मुद्दे नहीं होते ना किसी राजनीति के लोगों के पास, आप कांग्रेस आज मरणासन्न हालत में है, 10% सीटें चाहिए लोकसभा में विपक्ष का नेता बनने के लिए, आज उनके पास वो भी नहीं है। उत्तर प्रदेश में उनका चेहरा देख चुके हैं कहाँ से मट गए हों, अंतिम में डूबती हुई नैया के लिए अखिलेश समाजवादी पार्टी से हाथ मिलाया उन्होंने, उत्तर बिहार के अंदर लालू यादव जी की पार्टी से हाथ मिलाते हों, दिल्ली के अंदर वो जीरो पर हैं, तो किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? कांग्रेस अब इतिहास के पन्नों का विषय बन चुका है। और मुझे आप एक बताएं, एक मॉन्यूमेंट का अगर हमने नाम बदला, एक भी कांग्रेस के नाम की संस्था का नाम अगर भारत सरकार ने बदला हो तो बताएं। वो कहते हैं कि जो इंदिरा गांधी जवाहरलाल नेहरू, हमने किसी एक का भी नाम नहीं बदला, हमने एक भी संस्था जो किसी नामों से, हाँ उन पर इल्जाम जरूर ये थे कि उनको गली कूचा हवाई अड्डा पार्क से लेकर कहीं तीन ही नाम उनको नजर आते थे, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नेहरू गांधी, सभी से आगे उनकी सोच ही नहीं थी, हमने देश के महापुरुषों के नाम पर नाम रखे। सर, आपने एक जंग एक तरीके से शुरू की सांस्कृतिक प्रदूषण की, उस पहले तो सर यही सवाल कि ये है क्या अगर हम समझना चाहें, और दूसरा कि जब से ये जंग आपने शुरू की थी उससे अब तक क्या देश को कुछ फायदा हुआ है उससे, संस्कृति में आप मानते हैं कि देश की जनता देखे आज हमारे 42 संस्थान, गुणात्मक परिवर्तन आया है और भी काम जारी है, इनके रिजल्ट अभी आने जाने। हम लोगों ने कल्चरल मैपिंग देश की शुरू कराई है जिसमें 6 लाख गांव में छुपा हुआ हमारा आर्टिसन, बुनकर, आर्टिस्ट, कोई बांसुरी वादक, कोई संगीतकार, कोई चित्रकार, उनका हम पोर्टल बना रहे हैं। आज पर्यटन की दृष्टि से भारत 25 पॉइंट का ग्रोथ हुआ है जो वर्ल्ड में किसी के पास नहीं है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम स्विट्जरलैंड ने हमारी रिपोर्ट जारी करी आज से 10 दिन पहले, अमेरिका 4 पॉइंट नीचे गया है, स्विट्जरलैंड 2 पॉइंट नीचे गया है, चाइना 4 पॉइंट ऊपर है, जापान 2 पॉइंट ऊपर है, हिंदुस्तान 12 पॉइंट जम कर 2013 में हम 65वें स्थान पर थे, आज हम 40वें स्थान पर, 25 अंक का दगा ऊपर उठे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति और हमारी देश की नीतियों के प्रति, हमारे पर्यटन के प्रति, हमारी सुरक्षा व्यवस्था के प्रति विश्व के लोगों ने अपना विश्वास जताया। लेकिन सर, विपक्ष कह रहा है कि आपकी नोटबंदी से पर्यटन कम हो गया। मैं कहता हूँ उन्हें आंकड़ों पर देखना चाहिए, मैं कहताना चाहता हूँ कि 11 गुना बढ़ोतरी हुई उन 3 महीनों में, 8 नवंबर से लेकर 11 गुना कैश कलेक्शन के अंदर वृद्धि हुई डिमोनेटाइजेशन के बाद भी, और डिजिटलाइजेशन, अब हमने सारी टिकटें ई टिकटिंग कर दी है, पॉस मशीन POS मशीन हमने लगा दी है सब जगह, 1% भी गिरावट। मैं बताना चाहता हूँ कि विश्व का पर्यटक प्रगति 4.6% है और भारत की प्रगति 14.6% है, और बल्कि इन 3 महीनों में जनवरी से लेकर मार्च तक तो 16% है। सर, एक सवाल अलग है, राम मंदिर का मुद्दा पहले उठता आया है और अब भी चल रहा है, यूपी में चुनाव था, आपने अच्छी जीत हासिल की यूपी में, आप वहाँ पे गए भी, म्यूजियम बनाने की बात भी की, लेकिन अब क्या राम मंदिर पे आपका क्या स्टैंड है, सरकार का क्या स्टैंड है, और आगे क्या इसमें इन 2019 तक राम मंदिर का कुछ निर्माण है? रामायण म्यूजियम मेरे मंत्रालय का प्रव्यू है, वो हम बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, जमीन अगर सॉरी काम शुरू हो गया जी, जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। रामलला का जो मंदिर के भव्य मंदिर की जो, वो हमारे देश के करोड़ों लोगों की, विश्व के लोगों की आस्था का केंद्र है और लोगों की इच्छा है कि वहाँ एक राम मंदिर बने, लेकिन हमारा प्रयास है आपसी सहमति से बने, कोर्ट के माध्यम से बने, ये हमारी सोच है और मैं समझता हूँ कोर्ट का के अंदर है तो इसलिए इस विषय पर मेरा बोलना उचित नहीं है। सर, एक आखिरी सवाल आपके क्षेत्र को लेके है, नोएडा को, पूरे गौतम बुद्ध नगर को क्या सौगात आपकी तरफ से मिली, सरकार की तरफ से क्या, जैसे एयरपोर्ट मिला जी और दादरी में, इसके अलावा क्या नोएडा के लिए विकास की क्या योजनाएं हैं, उन पर अगर बात करें तो क्या होंगी? देखिए, शायद जितने बड़े प्रोजेक्ट्स मैं अपने इस गौतम बुद्ध नगर सीट के लिए ले आया शायद उतने और कोई नहीं ले पाया होगा।
बिजली के लिए पिछले 15 सालों में एक भी पावर प्लांट नहीं लगा। आज मेरे खुर्जा अरनिया ब्लॉक के अंदर 14,000 करोड़ की लागत से 1820 मेगावाट का पावर प्लांट, और वो प्योरली भारत सरकार का प्रोजेक्ट है, टिहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन उसको कर रहा है, प्रदेश सरकार की कहीं सहभागिता नहीं है। 1250 करोड़ रुपये शुरुआत के अंदर नोएडा ग्रेटर नोएडा मेट्रो के लिए भारत सरकार ने दिए हैं। 25 एकड़ जमीन पर दीनदयाल उपाध्याय इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कियोलॉजी हमने परी चौक पर बनाया है, शुरुआत किया, जिसका शिलान्यास माननीय राजनाथ सिंह जी ने कर दिया है। इंस्टीट्यूट ऑफ कलिनरी और आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम इंस्टीट्यूट सेक्टर 62 के अंदर जो 15 साल से लटका पड़ा था, भारत सरकार ने उसकी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई, काम शुरू हो गया है। तो अपने क्षेत्र के लिए और निधि से जो काम कराए वो अलग। सर, होने वाला क्या है उसके अगर बात करें? अब तो उत्तर प्रदेश में प्रभावी सरकार आ गई है, देश की सरकार, प्रदेश की सरकार मिलकर नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर सब आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर। तो ये थे डॉक्टर महेश शर्मा जी, जिन्होंने बताया कि आखिर उनकी नोएडा को लेकर क्या नीतियां हैं और क्या वो इस सरकार के रहते इस गौतम बुद्ध नगर का अच्छी तरीके से विकास कर पाएंगे। कैमरामैन संजय के साथ प्रदीप कुमार, दिल्ली।